हाँ सर, अरे प्लीज, कोई बात नहीं, आप मुझे दोबारा कॉल कर सकते हैं। मुझे आप में से मुझे कस्टमर केयर जो आते हैं ना कॉल, मुझे उनसे बहुत चिढ़ मचती है। लेकिन आपका फोन आता है ना तो मैं अपने काम धाम छोड़ के साइड पे हो जाता हूँ, क्यों मुझे आपकी आवाज सुननी है। फ्रेंड्स, इस दुनिया में बहुत अलग अलग तरीके का प्यार पाया जाता है। एक प्यार वो है जो हम अपने पेरेंट्स से करते हैं, और एक प्यार वो भी है जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपस में करते हैं। लेकिन इस वीडियो में आपको बिल्कुल एक अलग तरीके का प्यार दिखाने जा रहा हूँ, जिसमें कस्टमर केयर वाली लड़की रोजाना सेम उसी लड़के को फ़ोन करती है, और वो गुस्से में चीखने चिल्लाने के बजाय उस लड़की के भोलेपन और बात करने के तरीके से ही प्यार कर बैठता है। मैंने आज तक इतनी इंटरेस्टिंग बातचीत कभी भी नहीं सुनी, और यकीन मानिए आपने भी कभी नहीं सुनी होगी। गुड आफ्टरनून सर, मैं दिव्या बात कर रही हूँ। अच्छा बताओ। आपने इंटरेस्ट शो किया था डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराने के अच्छा, लिए। वो स्टॉक मार्केट साइड। अरे वाह, ओह देखो ठीक है दिव्या, थैंक्स कॉल करने के लिए। लेकिन मैंने ना अकाउंट खुलवा ही लिया था कहीं और से ऑलरेडी। ओके, तो सर आप बता सकते हैं आप क्यों इंटरेस्टेड हैं? नहीं, मैंने आपको ये बताया, मैं इंटरेस्टेड था लेकिन फिर मैंने अकाउंट खुलवा लिया था कहीं से, तो अब मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है सर, तो आपने मतलब उसमें मतलब जो कंपनी का जो डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट, इसमें आप क्यों इंटरेस्टेड नहीं बता सकते हो? अरे मैं वही बता रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने अकाउंट खुलवा लिया है जीरोधा पे। पर सर जीरोधा कंपनी .com जो है ना, वो अलग होता है ना। हाँ अलग है, जीरोधा अलग है, लेकिन मैंने जीरोधा पे खुलवा लिया, लेकिन वो काम तो दोनों सेम ही करते हैं ना। बट सर वहाँ पे आपको ब्रोकरेज चार्ज कितना मिलता है? अरे सुनो ना, अभी मेरी मम्मा से मुझे बात करनी है। चलो मैडम, आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है? ओके आपका ओके सर, कोई बात नहीं, आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। भी। हेलो, हाँ जी बोलिए। गुड मॉर्निंग, मैं दिव्या बात कर रही हूँ। जी दिव्या मैम, आपकी मुझसे पहले भी बात हुई है राइट? जी दिव्या मैम आप बहुत ज्यादा कामली बोलते हैं, मुझे ऐसा लगता है मैं किसी संत से बात कर रहा हूँ। जी ठीक जैसे मैं किसी सेंट से बात कर रहा हूँ, एनलाइटेंड सेंट होते हैं ना। बहुत ही ज्यादा शांत है आपकी आवाज। किसी दिन मैं बहुत ज्यादा अपना कुछ कन्वीनियंस चला रहा था तो आपका कॉल आया, और आपकी आवाज सुन के मैं ठहर गया, मतलब मैं रुक गया, मुझे ऐसा लगा मेरी पूरी लाइफ ही रुक गई। कमाल है, ऐसे अजीब बात है, आपकी आवाज से मैंने आपको पहचान लिया। जी मैडम, हाउ कैन आई हेल्प यू? सर, अभी आपके पास खाली 2 मिनट का समय है, तो मैं आपको भी अकाउंट ओपन करवा देती हूँ। अच्छा सुनो दिव्या मैम, दिव्या मैम सुनिए, द थिंग इज एक्चुअली मैंने ना जीरोधा पे अकाउंट ओपन करवा लिया था, ओके okay? और मुझे जरा सा डिफरेंस बताइए जीरोधा और हमें क्या है। बोथ आर डूइंग द सेम वर्क इजंट इट? जी मतलब जीरोधा और दोनों एक जैसे ही काम कर रहे हैं ना। हाँ सर, बट मैं बात करूँ तो मैंने आपको उसके रिगार्डिंग में कॉल किया। जी तो मैडम मैं वही बता रहा हूँ, जब मैंने एक जगह से अकाउंट खुलवा लिया है ना, वो है जीरोधा से, मैंने करवा लिया था मार्च में ही करवा लिया था मैम। अगर मुझे पता होता ना कि अच्छा मैं ऐसा, तो मैं आप आपसे जरूर करवा लेता, लेकिन वो मैंने मार्च में खुलवा लिया है, तो मुझे अभी बिल्कुल नहीं लगता कि मुझे शिफ्ट करना चाहिए। अच्छा, तो आप रीजन बता सकते हो आप क्यों इंटरेस्टेड होंगे? मैं सिर्फ एक रीजन बता सकता हूँ कि मैं क्यों इंटरेस्टेड हूँ, वो आपकी वजह से। लेकिन रीजंस जो हैं जिसकी वजह से अभी मैं नहीं खोल सकता हूँ आपके यहाँ पे अकाउंट, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जीरोधा पे खोल दिया था। मुझे तो दोनों में डिफरेंस भी नहीं पता था, दोनों में नहीं पता था कि यार जीरोधा या मुझे उस वक्त जो दिखा ना, क्योंकि मार्केट डाउन थी, तो मैंने जीरोधा में, क्योंकि मेरे को कोई कॉल तो नहीं आया, आप किसी का आया होता से तो मैं हो सकता है मैं वहां पे खुलवा लेता, मुझे कोई वो ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैंने खुलवा लिया है, अब मैं ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ वहां पे, तो अब ये सब चेंज करते रहना, ये बहुत ही ज्यादा मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना चाहिए। अभी मुझे एक जगह फोकस रह के मुझे ये चीज सीखनी है और समझनी है मैम। सर तो आप मतलब अकाउंट ओपन नहीं करवाना चाहते, कोई रीजन बता सकते हो मुझे? हाँ मैडम, मैंने आपको बताया ना, मैं ऑलरेडी जीरोधा पे खुलवाया हुआ है ना, इसलिए मैं खुलवा रहा, एक जगह फोकस कर रहा हूँ ना, इसलिए
दो जगह खुलवा के कोई फायदा नहीं है, जबकि ट्रेडिंग में क्या हमें अलग हो जाएगा, वो कोई शेयर का प्राइस वहां कुछ अलग थोड़ी दिखाएगा। तो अभी एक जगह खुलवा लिया है तो बस वहां पे ध्यान दे रहे हैं, ये रीजन है मैडम। ठीक है सर, कोई बात नहीं, आपका सुनते समय देने के लिए अरे धन्यवाद, मैडम आपका प्लीज, बहुत आप शुक्रिया। कोई बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ सीरियसली, आई एम वेरी हैप्पी टू टॉक टू यू। द साइलेंस इन बिटवीन योर सेंटेंसेस ना, व्हेन यू से समथिंग, व्हेन आई से समथिंग, और इसके बीच में जो इतना बड़ा गैप आता है ना मैम, सच में ये अपने आप में बहुत कुछ है। आई एम सो हैप्पी टू टॉक टू यू, आई कांट टेल यू, दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग टॉक। या ओके सर, आपका जल्दी समय देने के लिए अरे मैडम धन्यवाद, मुस्कुराते आपका रहिए। बहुत जी मैम, ओके। हाँ शुक्रिया। जी बोलिए। हाँ गुड मॉर्निंग, मैं दिव्या बात कर रही हूँ कॉम से। आपने जी दिव्या मैम। इंटरेस्ट शो किया था ना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराने के लिए। दिव्या मैम, हमारी कल बात हुई थी, आपको याद है कि नहीं? मैंने ये क्या बोल रहे हो सर आप? कहा हमारी कल ही बात हुई थी, कल ही इसके बारे में। तो सर आप बता सकते हो कि आपको मतलब अभी अकाउंट ओपन करवा सकते हो? मैडम एक दिन में मेरी सोच कैसे बदलेगी? मैंने बताया था ना कि मैं जीरोधा में अकाउंट खोला हुआ है। ओके तो सर आप क्यों नहीं ओपन करवाना चाहते हो बता सकते हो? मैम मैंने कल को आपको बताया था इतना क्लियरली, इससे पहले भी फोन पे बताया था, आप भूल गए क्या? ओके सर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मैडम, आप मुझे दोबारा कॉल कर सकते हैं, आप बहुत प्यार से बोलते हैं, आपको याद नहीं मैंने कितनी तारीफ की थी आपकी? अरे हाँ सर ठीक प्लीज कोई बात नहीं, आप मुझे दोबारा कॉल कर सकते हैं, मुझे आप में से मुझे कस्टमर केयर जी आते हैं ना कॉल, मुझे उनसे बहुत चिढ़ मचती है, लेकिन आपका फोन आता है ना तो मैं अपने काम धाम छोड़ के साइड पे हो जाता हूँ, क्यों मुझे आपकी आवाज सुननी है। दिस इज सो गुड मैम, मुझे आपकी आवाज सुन के बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। या ओके सर, आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद सर, आपका दिन शुभ रहे। आपका भी थैंक मैम। आप अपनी ओर से कॉल को कट कर अच्छा मुझे ही दीजिए। काटना है, ओके। मैं इतना ना वो ऐसा काम कर नहीं सकता क्योंकि मुझे बुरा लगेगा आपकी फोन काटते हो, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ मैडम। जी एक सेकंड। जी गुड मॉर्निंग सर, मैं दिव्या बात कर रही हूँ .com से। सर हाँ जी मैडम। आपने इंटरेस्ट शो किया था ना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराने के लिए। हाँ किया था जी तो जी, अभी आपके पास अभी हाँ बोलो कुछ नहीं आप ही बोलिए। जी, अभी आपके पास खाली 2 मिनट का समय है सर, तो मैं अभी आपको अकाउंट ओपन करवा देती हूँ डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। बहुत जरूरी है ना करवाना मैडम, जी बहुत जरूरी है। दिव्या मैम आपको मेरी बहुत याद आ रही है क्या? बहुत ज्यादा। वैसे मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आपको पता है ना हमारी कल भी बात हुई, परसों भी, उससे पहले भी, और मैं क्या कहूँ इसके बारे में, मुझे तो लगता है मुझे अब अकाउंट खुलवा ही लेना चाहिए। मैम आप ही बोलते हैं ना, कल भी आप ही बात कर रहे थे, परसों भी आप ही, उससे जी पहले सर, भी। मैंने आपको कॉल किया था। अब ओके मैडम मैं क्या कहूँ। मेरे को बहुत ज्यादा मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ क्योंकि हमारी बात हो रही है रोज और वजह भी सामने आ रही है, लेकिन आपको फिर भी लगता है मैं खुलवाऊंगा? सर आप इंटरेस्टेड क्यों नहीं बता सकते? आए मैडम मैं इंटरेस्टेड क्यों नहीं हूँ, मैं इंटरेस्टेड क्यों नहीं हूँ, मेरे को लगता है मुझे पास्ट में जाना पड़ेगा मैडम। मैं को दोबारा कह के ना, मेरे को बहुत, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं दोबारा क्यों रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन मैं फिर से रिपीट करूँ क्या? अच्छा अब मैम एक्चुअल में ना मेरा जीरोधा पे अकाउंट है, ओके। तो सर आपका जीरोधा पे अकाउंट है तो आप अकाउंट ओपन करके एक बार ट्राई कर सकते हो ना, ट्रेडिंग कर सकते हो। दिव्या पता क्या है, देखो मैं एक नया ट्रेडर हूँ, ठीक है, इस वक्त
मेरे पास कोई करोड़ों की इन्वेस्टमेंट नहीं है कि अच्छा अगर ये अकाउंट नहीं चल रहा तो मैं वहां पे अपनी ट्रेडिंग कर लूं जल्दी से जल्दी, है ना। मेरे को बहुत कम वक्त मिलता है इस चीज पे ध्यान देने के लिए। जितना जितना भी वक्त मिलता है मैं ट्रेडिंग कर लेता हूँ। अगर अभी मैं ऐसा करूंगा ना, ठीक है, मैं ये सब कि वहां भी खोल के बैठा हूँ यहाँ भी खोल के बैठा हूँ, तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि मेरा फोकस डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा दियो। और इस वक्त मैं चाहता हूँ कि एक है बहुत है उसी पे ध्यान दिया जाए। व्हाट डू यू थिंक? ओके सर, कोई बात नहीं। अच्छा एक प्रॉमिस करो, कल फोन करोगे ना तुम? मेरा दिन बन जाता है तुम्हारी आवाज सुन के। अभी मैं क्या कहूँ, बट हाँ इट्स ओके, कल को फिर बात करते हैं हम। हो सकता है मेरा माइंड बदल जाए। ओके दिव्या मैम, ओके सर, कोई बात नहीं। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन अरे शुभ वाह वाह रहे। शुक्रिया। आज मैं फोन नहीं बंद करूंगा, आज आप फोन बंद करिए प्लीज, मुझसे ये पाप नहीं होगा। सर आप अपने तो कॉल को कट कर दीजिए, हम यहाँ से कॉल कट नहीं कर सकते। थैंक यू। चलो ठीक है, आपने कहा तो मैं कहता हूँ। अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब आपको मेरी तरह ये रिकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। और अगर आपके मन में भी ये क्वेश्चन है कि नेक्स्ट डे फ़ोन आया या नहीं आया, तो मुझे भी नहीं पता कि फ़ोन आया या नहीं आया जिन यूज़र ने मेरे पास ये सेंड की थी। अगर वो इन फ्यूचर भी मेरे पास कोई अपनी आगे की रिकॉर्डिंग भेजते हैं, तो उसको भी मैं आप सबके साथ जरूर शेयर कर दूंगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहली बार अगर आप मिस्टर ग्रोथ यूट्यूब चैनल की इस वीडियो को देख रहे हैं, तो साथ में क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो बनाकर आप सबके साथ शेयर करूं, वो वीडियो आपका मिस ना हो। और हम जल्द मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ।